एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आगे फिर से ग्राफ देख रखा है। ग्राफ नहीं, मुझे ये बोलना चाहिए कि वेव देख रखी है, ठीक है, किसी इंस्टेंट पर देख रखा है ये ग्राफ जो वेव का सेम है। सो इट इज द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट ऑफ वेव एट सम टाइम टी, ठीक है। ये हमको ऐसा मेंशन कर रखा है। एम्पलीट्यूड इसका मेंशन किया हुआ है 10 सेंटीमीटर। एक पॉइंट है यहाँ पर पी, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से वो इस इंस्टेंट पर 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और हमें इसका लैम्डा देके रखा है, अच्छा हाँ, इसका लैम्डा देके रखा है 0.5 मीटर। दैट्स इट, ये इंफॉर्मेशन हमें देके रखी है। और ये वेव का भी वेलोसिटी बताइए, स्पीड ऑफ वेव बता के रखिए। स्पीड ऑफ वेव vw कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। And this wave is traveling in plus x axis. ये सारी चीजें आपको बता के रखी, ठीक है। अब पूछा क्या है, find the velocity of particle, velocity of p at this instant, ठीक है। So this is the question, find velocity of p where p is this point at this instant. यहाँ पर ये कुछ भी नहीं बताया कि instant कौन सा है, ठीक है, बस हमको मान लेना है कि ये कोई इंस्टेंट है जिसका वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हमसे पूछी हुई है, ठीक है। तो क्या करें, कैसे स्टार्ट करें? ग्राफ से तो अपन ये इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं कि इसका जो वाई की वैल्यू है इस पी पार्टिकल की वो 5 है ना। लैम्डा हमारे पास पता है, बी हमारे पास पता है, तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, राइट। तो पहले अपन जो जरूरी चीजें हैं वो सारी कैलकुलेट निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो जरूरी चीज लग रही है मुझे वो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वी डब्ल्यू बेसिकली होता है लैम्डा बाई टी, राइट। टी को अपन लिख सकते हैं 1/f, तो ये हो जाएगा लैम्डा है। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय लैम्डा। वी डब्ल्यू इज 10 × 10^-2, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में आ गए, डिवाइडेड बाय 0.5। 0.5 मतलब 2 ऊपर चला गया, 1/2 लिखेंगे, 0.5 को 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो ये बन गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, अच्छा यहाँ पर मीटर आएगा तो मीटर मीटर कट जाएगा, पर सेकंड में इसकी वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो ये हो गया 0.2 ऑसिलेशंस पर सेकंड, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ पर सेकंड, ठीक है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, क्लियर। यहाँ से अपन ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा क्या होगा 2πf, ठीक है। और एफ की वैल्यू कितनी है, 0.2 मतलब इसको अपन लिख सकते हैं 1/5, तो गेट 2π/5, दिस इज द ओमेगा, क्लियर। सिमिलरली अपन वेव नंबर निकाल लेते हैं, एंगुलर वेव नंबर 2π/λ, 2π/λ की वैल्यू 0.5, तो ये हो गया 4π, क्लियर। ये बेसिकली अपने पास किया गया है ना। अब जो इंफॉर्मेशन दिया उसको यूज करते हैं। उसने क्या बोला है कि इसका इस पार्टिकल की स्पीड निकाल रहा है हमको, तो पहले अपन इसकी इक्वेशन निकाल लें, है ना। इसकी इक्वेशन निकालेंगे y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्टिकल की स्पीड हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस k x। सिंस दिस एंटायर वेव इज गोइंग इन द पॉजिटिव x एक्सिस, तो इसलिए हम माइनस लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू a, a की वैल्यू लग देते हैं, a की वैल्यू कितनी देख रखी, a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर देखिए, सो इट इज 10 सेंटीमीटर इनटू साइन ओमेगा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 2π/T / π इनटू माइनस k इनटू x, k की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 4π × x, क्लियर, ठीक है। अब इस इंस्टेंट पर, इस कांस्टेंट t पर जो हमें वैल्यू देके रखी है y की, वो कितनी है, π, तो एट दिस इंस्टेंट y इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो y के लिए 5 हमने लिख दी, तो हो गया 1/2,
मतलब 5 लिखेंगे, इधर ये हो गया 5, इधर हो गया 10, इधर हो गया साइन 2 पाई टी बाई 5 माइनस 4 पाई एक्स, ठीक है। तो इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा साइन 2 पाई टी बाई 5 माइनस 4 पाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई, ठीक है। तो ये हमें इसकी वैल्यू मिल गई साइन की, ठीक है। इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ये कितनी होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला एक्सप्रेशन थीटा है दिया, इसको मैं साइन थीटा लिख दूँ तो साइन थीटा इज 1/2, दैट मीन्स थीटा मस्ट बी इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं, हमको निकालना है पार्टिकल की स्पीड, तो उस पर फोकस करते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए जो पार्टिकल वाली इक्वेशन हमने बनाई है इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी वाई बाई डो वाई बाई डो टी इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इट इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी 10 इनटू साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस 2 पाई टी बाई 5 माइनस 4 पाई एक्स इनटू, इसके साथ ये वाला भी बाहर निकल के आ जाएगा 2 पाई बाई 5, क्लियर, ओके। तो हमारे पास अब स्पीड ऑफ पार्टिकल निकलने वाली है, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट विल बी इक्वल टू 20, दैट इज 4 पाई, बेसिकली 4 पाई इंटू कॉस 2 पाई टी बाई 5 माइनस 4 पाई एक्स, है ना। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब क्या करें, हमें साइन थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, बेसिकली हमारे पास इसको हमने थीटा बोल दिया था और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 30 डिग्री, तो वीपी हो जाएगा 4 पाई इंटू कॉस 30, क्योंकि इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इसको अपने थीटा माना और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री निकल के आएगी, ठीक है। तो इसको हम वैल्यू रखें, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 4 पाई कॉस का कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इट इज 2 पाई √3, दिस इज द आंसर, क्लियर।